Hi guys, my name is Ravi Gupta and you are watching Buck Lol. और मेरे साथ है आयुष जैन और आज हम बात करने आए हैं कारगिल डे के ऊपर जो 26 ऑफ जुलाई को आ रहा है. यहाँ पर आके हमने पता किया कि लोगों को कारगिल वॉर के बारे में पता है या नहीं. चलिए देखते हैं. What is Kargil? Kargil is a place where India and China's borders meet. ये कैसा क्वेश्चन है? Kargil जो युद्ध होता है दोनों को बीच का मतलब इंडियन और पाकिस्तान. मैं नेट से देख के बता सकती हूँ लेकिन अभी. ये बेइज्जती वाली क्वेश्चन था. I don't know. कभी नाम सुना है कारगिल का? कारगिल ये तो सुना है. तो कब हुई थी ये फाइट? 1980s में आई थिंक. The year I think. I was really small. I don't remember the year. पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान में. मैं खुद नेवी में हूँ. Kargil is the war which was fought between India and China. पाकिस्तान में हुआ था इंडिया में हुआ था? दोनों बॉर्डर पे हुआ था. बॉर्डर का नाम नहीं. बाघ बॉर्डर. बाघा बॉर्डर. हाँ बाघा बॉर्डर पे कारगिल वॉर. पता नहीं मैं तो था नहीं तो मेरे को. इंडिया एंड पाकिस्तान है गाइस. पता नहीं है कब हुआ था. नहीं पता. किस किस के बीच हुआ था ये वॉर? पाकिस्तान एंड इंडिया आई गेस. अच्छा ये पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ है? कितनी बार हुआ है? 1960 जब इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग हुआ था जब स्प्लिट हुआ था पाकिस्तान एंड. अच्छा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कितनी बार हुआ होगा? 10 या 15 बार. और 10-15 बार इंडिया जीता या पाकिस्तान? ज्यादा बार इंडिया जीता होगा. ना इस बार अपना इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में हार गया तो इस बार भी हार गया होगा जब लास्ट टाइम हुआ. युद्ध को डिटरमाइन कैसे करते हैं कि हारा या जीता? ऐसा क्यों होता है कि हम सोल्जर्स को तभी याद करते हैं जब कोई स्पेशल डे होता है, उसके अलावा नहीं करते. बिकॉज लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है. इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे जैसा टाइम आता है तो लोग इंडिया के लोग बहुत ज्यादा छोटी मेमोरी रखते हैं. ठीक है तो वो टाइम आता है तो मेमोरी पे सीधा हिट करती है एंड पूरा पेट्रियोटिज्म जाग जाता है. उसके अलावा अपनी लाइफ में बिजी हो कोई फर्क नहीं पड़ता बॉर्डर पे क्या हो रहा है. हम सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं. 9 to 6 की नौकरी में हर इंसान इतना बिजी है कि वो आज अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा है, अपनी बीवी को समय नहीं दे पा रहा है, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पा रहा है. अगर आप किसी को भी अपनी मतलब डेजिग्नेशन बताओगे कि मैं आर्मी में हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो ऑब्वियसली पीपल आर लाइक वाओ ये पता इंडिया तभी तो सबको होता है कि हाँ वो डे बना हुआ है इसलिए लाइक. तो बाकी दिन के सोल्जर्स काम नहीं करते? नहीं. कि लड़कियां ना सोल्जर्स पे बहुत मरती हैं. क्यों? बिकॉज चाहे कुछ भी कहो अगर एक इंसान रिलायबल है ना तो लड़कियों को वो चीज बहुत पसंद आती है. व्हेन इफ अ कंट्री इज रिलाइंग ऑन सोल्जर्स फॉर देयर सिक्योरिटी देन गर्ल्स विल आल्सो थिंक के हमारी सिक्योरिटी भी अच्छे से कर लेगा. हैपनिंग होते हैं बहुत हैंडसम होते हैं. तो यार फिजिकली फिट है. फिजिकली फिट है तो क्या एडवांटेज मिल सकता है लड़की को? मतलब पर्सनालिटी एंड डिसिप्लिन. Because they are fighting for India, I think. तो लगता है कि मुझसे फाइट करने लगा तो सिर्फ इंडिया के लिए फाइट करे, हमसे क्यों फाइट करेगा. जब भी आप किसी आर्मी सोल्जर को देखते हैं तो फर्स्ट वर्ड क्या आता है आपके माइंड में? That's up to you, man. लेकिन ठीक है, रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है. पेट्रियोटिज्म. सैल्यूट. I promise to पत्रिका, मुझे जब भी कभी कोई सोल्जर देखेगा मैं भारत माता की जय बोलूंगा. हम पत्रिका न्यूज को प्रॉमिस करते हैं कि कोई सोल्जर देखेगा हम उसे हमेशा सल्यूट करेंगे. I promise to पत्रिका न्यूज कि हम कोई भी सोल्जर मिलेगा तो हम उन्हें सल्यूट करेंगे. जब भी हमें कोई सोल्जर देखेगा we'll salute him or her. I promise to salute my soldiers whenever I meet them. हम पत्रिका न्यूज को प्रॉमिस करते हैं कि जब भी हम सोल्जर को देखेंगे तो हम उनसे सल्यूट करेंगे. पत्रिका न्यूज़ को प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी सोल्जर को देखूंगा उसको सैल्यूट करूंगा.